आज मैं बना रही हूँ ड्रमस्टिक यानी सहजन की सब्जी। देखिए, सहजन के साथ मैंने और भी सब्जी लिया, पम्पकिन, आलू, गाजर और बैंगन। आलू को छिलका के साथ ही काट लिया है। और उसके लिए जो मसाला चाहिए वो है 5 फोड़न, ड्राई रेड चिल्ली, हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। और इसके साथ चाहिए एक सब्जी मसाला, मैंने यहाँ पतंजलि ब्रांड का लिया है, ये जरूर डालें। सबसे पहले इन सब्जियों को एक साथ एक टोकरी में लेके हम इसको धो लेंगे। उसके बाद एक कढ़ाई गरम करके इसमें मस्टर्ड ऑयल गरम किया। मस्टर्ड ऑयल डालने से सब्जी बहुत ही टेस्टी होता है, इसको जरूर डालें। उसके बाद सूखी लाल मिर्च और 5 फोड़न भी डाल दिया। इसको थोड़ा सा फ्राई होने दिया। उसके बाद डालेंगे अनियन चॉप, और इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही टेस्टी होता है, जरूर इससे ट्राई करिए। इसके बाद सारे सब्जियों को डालेंगे और इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे 2 मिनट, जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे। फ्राई करने से क्या होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। मैंने फ्राई कर लिया, अभी इसमें थोड़ा थोड़ा मसाला डालूंगी। सबसे पहले डालूंगी नमक, स्वाद अनुसार डालें। इसका पूरा सब्जी में मिला ले। इसके बाद बाकी मसालों जो मैं दिखाया था वो भी डाल दिया, उसको भी मिला लेंगे। अभी डालेंगे पतंजलि सब्जी मसाला, ये करीब मैंने 1 टेबल स्पून डाला है, उसको भी मिला लेंगे। अच्छी तरह सब्जी को उसके साथ फ्राई करेंगे। इसके बाद 1/2 कप करीब इसमें पानी ऐड करेंगे। अभी इसको भी मिला लेंगे, मिला के इसको ढक ढक के कुक करेंगे। गैस को मीडियम रखेंगे। और बीच बीच में इसको चलाते जाएंगे, और अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो और भी 1/2 कप आप पानी डाल सकते हैं। फिर इसको दोबारा ढक के, इसको जो सब्जी है उसको गलने तक इसको ढक ढक के कुक करेंगे। देखिए 5-7 मिनट के बाद सारे सब्जी गल चुका है। ड्रमस्टिक को छोड़ के बाकी जो सब्जियां है जैसे कद्दू, आलू, बैंगन, इनको थोड़ा सा मैश करेंगे। ये चावल रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। देखिए इस तरह सारे सब्जी को मैंने मैश कर लिया है ड्रमस्टिक को छोड़ के। अभी देखिए बन के तैयार है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, अगर पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।